सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें ही करने होंगे, ना हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी अपनी फ्रेंड और यहां पर मैं आप लोगों के साथ अपना जो स्टडी प्लान होता है, जो मेरा टाइम टेबल होता है, वो शेयर करने वाली हूं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूं, जॉइंट फैमिली में रहती हूं, 8 फैमिली मेम्बर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है मुझ पर और मेरा एक 6 ईयर्स का बेटा भी है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप अपना टाइम टेबल शेयर करें, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस टाइम टेबल से आपको जरूर जरा सी भी हेल्प हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 4 AM पर उठ जाती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ पाएँ। उठने के बाद 15-20 मिनट मुझे अच्छे से नींद खोलने में लग जाते हैं और मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ और कुछ पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। 4:20 से 5:30 तक आप लोग स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम रखती हूँ। यहाँ पर मेरी स्टडी 5:10-15 तक ही हो पाती है। आप लोग चाहें तो 5:30 तक कर सकते हैं। उसके बाद 5:30-6:30 मैं अपने हाउस वर्क करती हूँ। उस हाउस वर्क में हम क्या कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी के घर में चाय भी पी जाती है मॉर्निंग में। आप उसके साथ कुछ स्नैक्स बना सकते हैं और आप मॉर्निंग की झाड़ू लगा लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू लगा लेना शुभ माना जाता है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। देन मैं 6:30-8:30 दोबारा से स्टडी करती हूँ। अब आप लोग देखिए, मैं 8:30 पर फिर से अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। टाइम क्या हुआ है, 8:30 और मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं रहता, क्योंकि इससे पहले मेरी लगभग 3 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो चुकी होती है। देन मैं अपने घर के काम को फिनिश करती हूँ। उसके बाद नहा धोकर एकदम फ्रेश अच्छा महसूस करती हूँ। देन उसके बाद मैं 1.5 आवर की स्टडी फिर से कर लेती हूँ। अब टाइम हो जाता है 1:30 एंड देन मैं लंच करती हूँ, थोड़ा सा अपने बेटे को टाइम देती हूँ और फिर रेस्ट करती हूँ, जिसमें मैं 1 आवर की एनर्जी नैप ज़रूर ले लेती हूँ। आफ्टर एनर्जी नैप आई फील वेरी एनर्जेटिक। आप लोग भी ऐसा कीजिए, जब आप सोकर के उठेंगे तो आप बहुत ही फ्रेश और पॉजिटिव फील करेंगे। फिर मैं अपनी वो सारी एनर्जी अपनी स्टडी में लगा देती हूँ और मैं लगभग 1 आवर की स्टडी कर लेती हूँ। देन उसके बाद सभी के घर में शाम को चाय भी बनाई जाती है और कुछ इवनिंग स्नैक्स भी बनाए जाते हैं। उसके लिए मैंने टाइम रखा है 45 मिनट। उसमें आप चाय भी बना सकती हैं, स्नैक्स भी बना सकती हैं एंड अपनी किचन को क्लीन भी कर सकती हैं। देन आप दोबारा से स्टडी के लिए बैठ जाइए 5:15-7 PM। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ये टाइम टेबल सूट नहीं होता है, इसलिए मैं इस टाइम टेबल को फॉलो ना करके इस वाले टाइम टेबल को फॉलो करती हूँ, 5:15-6:15 PM। मैं सिर्फ यहाँ पर 1 आवर स्टडी कर पाती हूँ। हो सकता है आपके घरों में जो डिनर होता है वो लेट बनता हो, तो आप लोग 7 बजे तक आराम से स्टडी कर सकती हैं। देन उसके बाद आप 6:15 से 8:15 तक अपना डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, जिसमें मैं रोटी सब्जी दलिया मुझे जो भी बनाना होता है मैं सब इजीली कर लेती हूँ। एंड अगर मुझे प्रेस भी करनी होती है तो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से स्टडी के लिए आ जाती हूँ और यहाँ पर 1 आवर की स्टडी कर लेने के बाद मैं अपना डिनर करती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे टाइम रखा हुआ है 45 मिनट्स, जो कि एनफ होती हैं। इसमें आप अपने बच्चे को सुला भी सकती हैं। फिर आप 10-11 PM दोबारा से स्टडी कर सकती हैं।
अब आप 11 बजे सो जाइए, क्योंकि आप भी इंसान हैं, मशीन नहीं है। 11 से 4 बजे तक आपकी लगभग कितने आवर्स की स्लीप हो गई? 5 आवर्स की स्लीप। और यहाँ पे 2 आवर्स मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें से आप 1.5 आवर की स्लीप तो लेती ही होंगी। तो इस तरह से आपकी जो स्लीप है वो भी कितने आवर्स की हो जाएगी? 6+ आवर्स की, जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। सेकेंड थिंग्स, यहाँ पे आपका हाउस वर्क है वो 8+ आवर्स में चलने वाला है, एंड 8+ आवर्स से आप ज़्यादा स्टडी कर ले रही हैं। आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में अलग नीड्स हो, तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। फ्रेंड्स, आप अपनी फैमिली के साथ इतने समय से रह रही हैं, तो आप अपनी फैमिली को जान गई होंगी कि मेरी फैमिली को किस समय पर क्या चाहिए, तो आप उसी हिसाब से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकती हैं। मैं तो अपनी फैमिली में सबका जान चुकी हूँ कि मेरी फैमिली को कब क्या चाहिए होता है, तो मैं उसी हिसाब से अपने रूटीन को मैनेज करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।